बिग बी अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहते हैं। बात करें अगर उनके ट्विटर की, तो उनके ट्वीट्स हमेशा चर्चा का विषय रहते हैं। साफ साफ कुछ नहीं कहते हैं, हमेशा बस अलग ही शब्दों में इशारे विशारे में बातें कहते हैं। अभी इस वक्त ट्विटर पर द कश्मीर फाइल्स को लेकर मामला गर्म है। लोगों को नाराजगी है कि बॉलीवुड कुछ नहीं बोल रहा है, सपोर्ट ही नहीं कर रहा है फिल्म को। जनता इतना प्यार दे रही है, फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस रिकॉर्ड तोड़ है, उसके बावजूद बॉलीवुड चुप है, कोई चू तक नहीं बोल रहा है इस फिल्म को लेकर। आज अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया जिसे कश्मीर फाइल से जोड़कर देखा जा रहा है, और जोड़ेंगे भी लोग क्योंकि ये ट्वीट ही ऐसा है जो अभी के समय से एकदम कनेक्ट कर रहा है कि हम अब वो जानते हैं जो हमें पहले कभी पता ही नहीं था। जाहिर सी बात है, फिल्म में बताया गया कि कश्मीर आखिर हिंदुओं को क्यों बिलोंग करता है और कितना बिलोंग करता है। अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट के बाद लोगों ने कहा कि सर आप कश्मीर फाइल्स का नाम भी लिख देते, हैशटैग कश्मीर फाइल्स ही लिख देते, अगर आप बात कर ही रहे हो तो फिल्म का नाम लिखने में आपको क्या दिक्कत है। लोगों ने कहा सर हैशटैग लगाना भूल गए हैं आप। वैसे अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर फिल्मों को प्रमोट करते हैं। कुछ ही दिनों पहले अभिषेक बच्चन की लेटेस्ट फिल्म को उन्होंने प्रमोट किया था, लेकिन यहाँ कश्मीर फाइल्स को लेकर अमिताभ बच्चन का मुंह बंद है। इन शब्दों से उन्होंने बहुत कुछ कह भी दिया लेकिन फिल्म के नाम को टैग नहीं किया, जिससे लोगों में नाराजगी है। और लोगों ने यही कहा कि हर बार जुमले कसते हो, इस बार मामला कश्मीर का है, कम से कम फिल्म का नाम तो लिख देते, दिल खुश हो जाता। महानायक हो, इंडिया ने आपको इतना प्यार दिया है, कश्मीर इंडिया का इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, तो डायरेक्ट दिल खोल कर बोलो ना, यहाँ पे क्या दबी आवाज़ में बात करना। क्या लगता है आपको, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।